चलो हम लोग कहाँ थे, टेंस वाला। तो टेंस में एक टेंस हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, एक टेंस पढ़ लिए। तो आज हम लोग क्या कब क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे। और प्रेजेंट टेंस क्या कहे थे इसको लिखना नहीं है अभी। चार चीज होता है, पहला सिंपल प्रेजेंट, फिर हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस से निकला चार चीज, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे। और अब हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट का सबसे पहला भेद, और वो है केवल सिंपल प्रेजेंट। चलो सभी लिखो सिंपल प्रेजेंट। तो हम लोग अब आ गए दूसरा में, चलो लिखो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टी से टेंस, इसी का दूसरा नाम, इसी को हम लोग प्रेजेंट इन डेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन डेफिनिट। बेसिक है, बेसिक से हायर तक हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। चलो इसको लिख लो, हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्रिया के अंत में केवल ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो, लगा रहता है। चल लिख ले जल्दी जल्दी। क्रिया के अंत में केवल ता है, ते है, ती है, ताहू, ते हो, लगा रहता है। और ये लगा रहने से जो वाक्य होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। चलो इसको मिटा दें, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पहचान। तो ये सब याद रखना, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट करते चलेंगे हम लोग। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार पीछे की चीज एक बार याद दिला देते हैं, रफ कर रहे, लिखना मत। क्या कहे थे कि अगर सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है लग जाए तो आपको सावधान हो जाना है कि अगर ता ते ती के ठीक पहले का शब्द अगर हो लग जाएगा तो ये केवल होगा प्रेजेंट टेंस, और अगर ता ते ती के ठीक पहले का शब्द हो लगा हुआ अगर नहीं रहेगा तो तब ये केवल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कभी भूल से भी इज एम आर नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आता है वी वन या वी फाइव। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस होगा केवल तो इसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता है, क्योंकि मनुष्य मरणशील होता है गुरुजी। तो मनुष्य मरणशील होता है को हम लोग क्या बनाते हैं, मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल में जरा ध्यान दो कि यहां इज आ गया है। अब एक तरफ से आप कह रहे हैं कि ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बनाने का हम लोग बचपन से रूल पढ़े, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव, तो कहीं भी इसमें इज एम आर का जिक्र नहीं है। तो अब यहां सवाल पूछ देगा कोई कि मैन इज मॉर्टल फिर कैसे हो गया, आप तो एक तरफ से कह रहे हैं कि ता है, ते है, ती है, सिंपल प्रेजेंट होता है, और इसको बनाने की मेथड दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव। तो इसीलिए थोड़ा सा एक अंतर था, ये अंतर पहले भी बतलाए, ध्यान रखना। अगर ता ते ती के पहले अगर हो नहीं लगेगा, कुछ और लग जाए, तो तभी होगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें इज एम आर भूल से भी नहीं लगाना है। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे वी वन वी फाइव, ये थोड़ा सा हम लोग वी वन वी फाइव का जिक्र कर लेते हैं, इसको समझा करो, नहीं तो ये टेंस जो है ना आपको जीवन भर परेशान करेगा, वी वन वी फाइव के चक्कर में आप फंसे रह जाएंगे, इसको समझो। इस जगह वी वन वी फाइव आखिर है क्या चीज, कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लोग यहां रूल्स जान लेते हैं। तो रूल्स टू मेक फ्रॉम वी वन टू
V5, ये V1 से V5 बनाने के नियम है। पहले हम इसका नियम जान जाते हैं कि V1 से V5 बनता कैसे है। तो इसका नंबर एक, सबसे पहला रूल नंबर एक है कि दुनिया में जितना भी वर्ब है, किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट दिख जाता है तो हम ऐसे वर्ब के अंत में केवल एस लगा देंगे। लगाने से जो बनता है वही होता है V5। जैसे एग्जांपल देख लो, रीड से क्या बन जाएगा, रीड्स, कॉल से क्या बन जाएगा, कॉल्स, इस तरह से जितना भी है सब एक हो गया। ये दूसरा रूल कहता है कि दुनिया में जितना भी वर्ब है, किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर पांच में से कोई भी एक वॉवेल आ जाता हो तो बराबर ऐसे वर्ब के अंत में केवल ES जोड़ने से जो बनता है वही भी फाइव होता है। कोड में लिख रहे हैं, थ्योरी नहीं दे रहे, ठीक है। वर्ब प्लस वॉवेल समझ गए, वर्ब के अंत में वॉवेल हो तो वर्ब प्लस ES, मतलब वर्ब के साथ हम एस या ES लगा देंगे तो वो बदल कर हो जाएगा V5। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे एग्जांपल हो गया गो, तो गो से क्या बन गया, गोज। कम है, COME, कम क्या बन जाएगा, कम्स। आप कहेंगे कि सर वॉवेल रहने से ES लगाते हैं तो कम्स में डबल ई क्यों नहीं आया। तो इसके लिए थोड़ा सा एक रूल लिखाएंगे, नहीं ये सब कुछ बात याद रखना, किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर ऐसे पांच वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, पांच में से हम सिर्फ एक वॉवेल की बात कर रहे हैं ई। अगर किसी वर्ब के अंत का अक्षर ई वॉवेल रहेगा तो हम उसके साथ ई एस नहीं जोड़ेंगे, तब हम उसके साथ केवल एस जोड़ेंगे। चलो हम नोट में लिख देते हैं, वर्ब प्लस ई वॉवेल, अगर किसी वर्ब के अंत का अक्षर ई वॉवेल रहेगा तो हम इसके साथ केवल एस जोड़ेंगे, और जोड़ने से जो बनेगा वो V5 होगा, इसीलिए कम्स में डबल ई नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर का रूल, तीसरा रूल। अब क्या कह रहा है, तीसरा रूल है कि अगर किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड, अगर इसमें से कोई भी अक्षर दिख जाए तो बराबर ऐसे वर्ब के भी अंत में केवल ई एस लगाने से जो बनता है वो V5 हो जाता है। जैसे एग्जांपल वी ई एक्स वैक्स, वैक्स का मींस होता है सताना, तो वैक्स में एक्स आ गया तो ई एस लगा दिए, वैक्सेस लगा दिए, ये V5 बन गया। सी ओ सी ओ ए एक्स कॉक्स, कॉक्स मीन्स फसाना फुसलाना, कॉक्स, तो क्या कर लेंगे, कॉक्सेस कॉक्सेस। उसी तरह से हो गया फ्लैश, फ्लैश मतलब चमकना या चमकाना, तो फ्लैश में एस एच है, एफ एल ए एस एच, फ्लैश क्या बना लेंगे, फ्लैशेस, तो फ्लैशेस कर लिए, ये V5। उसी तरह से पिंच है, पिंच मतलब चुभना चुभाना या दर्द देना, तो पिंच का क्या कर लेंगे, पिंचेज, एस्प्लेस एस पी एल ए एस एच एस्प्लेस, एस्प्लेस नहीं समझ रहे हैं, एस्प्लेस मतलब उलीचना, उलीचना मतलब छीटना, ठीक है। बारिश हुई, हम लोग गरीब हैं, हमारा आपका घर टीना का है, खपरा का है, ये सब कमजोर घर है, पत्थर गिरा, ओला गिरा, हमारा घर का खबरा टाली टीना फट गया, घर में कुछ पानी घुस गई, हम सभी माँ बहन मिलकर थाली से छिट छिट कर जो बाहर निकाल दिए, इसी पानी छिट कर बाहर निकालना को कहते हैं उलीचना, ठीक है। तो एस्प्लेस का V5 एस्प्लेस, इस तरह से जितना भी है सब, तो सी में था ये। चलिए डी नंबर में क्या रूल कहता है, इस तरह से V5 बनाने का रूल ध्यान रखना, पर कोई भी वर्ब को V5 करना हो तो रूल से बनाएंगे, हजारों लाखों जितना भी वर्ड्स है, वर्ब है, सबका V5 इस तरह से बनते जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि दुनिया का जितना भी वर्ब है
अगर किसी भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर वाई हो, लेकिन अगर वाई के ठीक पहले का अक्षर अगर कोई भोवेल हो, यहां लिख भी देते हैं भोवेल। दुनिया के कोई भी वर्ब के अंत का अक्षर अगर वाई हो और वाई के ठीक पहले का अक्षर अगर कोई भी भोवेल हो, तो हम केवल इसके साथ एस जोड़ देंगे और जोड़ने से जो बनेगा वो भी फाइव हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेकर देखते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं प्ले, प्ले के अंत में वाई है, वाई के ठीक पहले का अक्षर ए है, ए का मतलब है भोवेल है, तो बराबर इसका क्या बन जाएगा, केवल हम इसके साथ एस लगा देंगे, प्लेज हो गया भी फाइव। क्या कहते हैं, डिले का मतलब देर करना, तो डिले के भी अंत में ए है, वाई है, और वाई के ठीक पहले का अक्षर ए है, तो हम केवल लगा देंगे एस, डिलेज। अब रीले, आर ई एल ए वाई, तो क्या कर लेंगे, आर ई एल ए वाई एस, रिलेज। ये इस तरह से सब इसका भी फाइव बनते जाएगा। अब इसका लास्ट रूल देखो, लास्ट रूल इसका क्या है कि अगर किसी वर्ब के अंत का अक्षर वाई हो और वाई के ठीक पहले का अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, लिख भी देते हैं यहां, कॉन्सोनेंट हो अगर, तो आपको इसमें क्या करना है, वाई को बदल देना है आई ई एस में, अने वाई हट जाएगा, इसके बदले आई ई एस सट जाएगा, और सटाने से जो बनता है वही भी फाइव होता है। जैसे ना एग्जांपल देख लो, प्यूरीफाई, प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना। अब प्यूरीफाई मन शुद्ध करना, तो शुद्ध करना में प्यूरीफाई में अंत में वाई है, तो वाई के ठीक पहले का अक्षर देखो एफ है, और एफ क्या चीज है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ का वाई हटा देंगे, प्यूरी एफ तक जाएंगे, और वाई किस में बदल जाएगा, आई ई एस में, तो प्यूरीफाइज क्या हो गया, भी फाइव। दूसरा वर्ड जैसे लिखते हैं हम लोग, नोटिफाई सूचित करना, नोटिफाई सूचित करना, ठीक है, यही नोटिफाई से नोटिफिकेशन बना, तो नोटिफाई मींस सूचित करना, नोटिफाई के अंत का अक्षर क्या है, वाई, वाई के ठीक पहले का अक्षर क्या है एफ, तो एफ तक रखेंगे और वाई को हटा देंगे, या ये कहेंगे कि वाई को हटाएंगे बदले में आई ई एस लगाएंगे, या वाई को बदल देना है आई ई एस में, तो बराबर क्या बन जाएगा, नोटिफाइज। तो यहां हम लोग कर लिए नोटिफाइज, तो क्या बन गया, भी फाइव। ये तो हम लोग सिर्फ अभी ये जाने कि भी फाइव बनता कैसे है, अब हम लोगों को ये जानना है कि कहां लगता है भी वन और कहां लगता है भी फाइव, कहां लगता है भी वन, कहां लगता है भी फाइव। चलो लिखना नहीं, थोड़ा समझ लो, बचपन से हम लोग करते आए हैं, गुरुजी कहे कि ही सी इट, और किसी का नेम कहीं भी दिख जाए तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वन भी फाइव लगा देना, इस तरह से इसको बॉक्स में डाल दिया और हम लोग इसको याद किए हुए अभी भी हैं, पर भी वन भी फाइव पर हमारा कंट्रोल अभी भी पकड़ ढीली है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज आप भी वन भी फाइव का बेहतर यूज समझ लीजिए। वो केवल चार पांच जो लिखे चार्ट के अंदर वो सिर्फ नहीं है, बहुत और भी है, तो इसका कंसेप्ट क्या है वो समझा करो। अब रूल क्या कहता है, अभी लिखना नहीं है, लिखिएगा बाद में, रूल क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर होगा थर्ड पर्सन, और इसके साथ साथ अगर ये सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट जितना भी होगा उसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो भी फाइव ले लेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, तो ध्यान रखना है आई वी और यू, ये तीन सब्जेक्ट आप ध्यान रखो, ये तीन सब्जेक्ट को सिर्फ ध्यान रखो कि आई वी और यू को छोड़कर दुनिया में जितना भी और सब्जेक्ट है वो सभी हो जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन्स आर अनलिमिटेड, कैन नेवर बी रिमेंबर्ड बाय एनीवन, एंड व्हाट इज अनलिमिटेड एंड वर्ड्स आर अनलिमिटेड इन दिस वर्ल्ड और इंग्लिश ग्रामर, एंड दैट्स फॉर दैट्स वेरी इजी मेथड
that we have to control over them only by killing our concepts, by killing our concepts. हम उनको अपने concepts से मारेंगे, उसको concept इसका समझ लेंगे. तो थर्ड पर्सन आपको याद हो गया, जहां भी थर्ड पर्सन की बात आ जाए तो तुरंत तीन सब्जेक्ट आपको याद आना चाहिए, आई वी और यू. ये आई वी और यू को छोड़कर दुनिया में और जो लाखों हजारों सब्जेक्ट होता है वही सारा सब्जेक्ट हो जाता है थर्ड पर्सन. तो अब देखो ही आई वी यू को छोड़कर है थर्ड पर्सन. जैसे हम यहां ले लिए आवर मदर, तो आवर मदर आई वी ये सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, आई वी यू सेम टू सेम नहीं है, ये यहाँ आवर मदर आ गया तो आई वी यू नहीं है, दूसरा कुछ है. तो ये आपका हो गया थर्ड पर्सन. आप दे लिखे तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन. माय सिस्टर लिखे तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन. आप कहे कि द पीएम प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन. बीकेसी ना बोले, ये आपका हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि ये आई वी यू को छोड़कर है. चलो अब लिखना अभी नहीं है, हम बाद में लिखाएंगे, पहले समझा रहे. तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि फिर ये कहता है कि ये सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए, मतलब दो कंडीशन को ये फॉलो करेगा, सिंगुलर नंबर भी और थर्ड पर्सन भी. केवल थर्ड पर्सन होने से बी फाइव नहीं लगेगा मेरे बच्चे, ये गलत होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन मिलने पर ही हम बी फाइव का प्रयोग कर सकते हैं. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गड़बड़ हो गया तो हम वहां पे बी वन लगा देते हैं. तो जो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन पकड़ में आ रहा है तो हमको तुरंत ये पकड़ना है कि वो सिंगुलर है या फिर नहीं है. अगर प्लुरल हो गया तो प्लुरल सब्जेक्ट में कभी भूल से भी आप आई वी और यू और कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट जितना भी है ये सभी के साथ केवल आपको भी वन लगाना है. और भी फाइव कहां लगेगा, केवल थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का जितना भी सब्जेक्ट होगा वो सभी के साथ हम भी फाइव लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अब जैसे कि यहां छोटा छोटा एक एग्जांपल देखो, वे लोग जाते हैं, छोटा छोटा वाक्य समझने के लिए अभी लिखाते भी नहीं हम. तो वे लोग जाते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट पहले लिए, दे हो गया, दे का मतलब वे लोग में कितने लोग, एक से अधिक लोग, जैसे ही मोर देन वन हुआ एक से अधिक हो गया तो मोर देन वन हो गया तो ये प्लुरल हो गया और प्लुरल होने से कभी भी फाइव नहीं लगेगा. जबकि यहां पे दे देखो थर्ड पर्सन है क्योंकि आई वी और यू को छोड़कर है ये सब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन हो रहा है. एक कंडीशन तो पूरा कर रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लुरल है, इसीलिए हम इसके साथ भी फाइव नहीं केवल भी वन लगाएंगे. तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर दोनों होगा तो हम उसके साथ भी फाइव लगाएंगे. तो वे लोग जाते हैं, दे गो. अगर सेंटेंस आप कहे कि एक सुंदर कन्या हंसती है, एक सुंदर कन्या हंसती है, तो ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया सब्जेक्ट. तो हंसती कौन है, ए ब्यूटीफुल गर्ल. क्या ये सब्जेक्ट आई वी यू को छोड़कर है, जी गुरुजी. तो इसका मतलब है ये थर्ड पर्सन है. और ये कितनी है, देखो एक है या अधिक है, तो आप एक ही कह रहे हैं, एक कह रहे हैं, तो ये सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसीलिए यहां लाफ का भी फाइव लाप्स हो जाएगा. ए ब्यूटीफुल गर्ल लाप्स, एक सुंदर कन्या हंसती है, ठीक है, जिसको भी देखकर हंसती है, तुम भी हंसते हो. तो चलो ये समझने के लिए है, फिर हम लोग अब यहां पर लिख लेते हैं, नोट में हम लोग इसको लिख लेते हैं. लिखना है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर हो तो भी फाइव तथा अन्य सभी के साथ भी वन लगता है. इसको लिख लीजिए और इसको समझ चुके हम लोग. चलो अब मिटा भी रहे, आपको दिक्कत हो
ईयरफोन लगाओ, जूम करो, रोक करके लिखो, कॉपी बनाते चलो, डाउट्स हो कमेंट में करो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पर जैसे सेंटेंस एक दो थोड़ा सा बढ़ा ले लेते हैं। एक नेता राष्ट्र की शिक्षा की प्रणाली को समझने के लिए राष्ट्र के विद्वानों के मार्गदर्शन में एक योजना बनाते हैं। चलो सेंटेंस को बनाने का रूल हमने क्या दिया कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हम सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में पकड़ेंगे, फर्स्ट में सब्जेक्ट और लास्ट में हम लोग वर्ब को लेंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, एक नेता, तो एक नेता का क्या लिखेंगे, ए लीडर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जैसे ही सब्जेक्ट को लिखेंगे कि हमें सावधान हो जाना है कि इसमें कभी ईजेमआर नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट आएगा वी वन या वी फाइव। तो ध्यान देना है यहां कि वी वन वी फाइव में से क्या लगेगा, तो ए लीडर मन ही मन मिला लो, ए लीडर आई वी यू को छोड़कर है, मतलब ये थर्ड पर्सन है और आप कह भी रहे हैं ए लीडर। एक नेता, एक का बोध होता है तो सिंगलर और एक से अधिक का बोध होता है तो प्लुरल, तो एक भी है और ये आई वी यू को छोड़कर है, तो मतलब थर्ड पर्सन भी है, सिंगलर नंबर भी है, इसलिए इसमें जो लास्ट वर्ब आएगा वो जो भी वर्ब आएगा उसमें आप एस एस लगाकर बी फाइव बना देंगे। तो वर्ब कौन है, बनाते हैं, इसमें है का ईजेमआर नहीं होता है, तो मेक मींस बनाना, तो मेक का बी फाइव मेक्स। तो जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट ले लिए एक नेता फर्स्ट में और वर्ब ले लिए लास्ट में, तो शेष चीजों को बनाने के लिए हम क्या कहे कि पीछे से हम लोग को आगे बढ़ना है, तो पीछे से आगे बढ़ने पर योजना एक इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि योजना का ही पार्ट एक है, तो एक योजना प्लान ए नहीं लिखेंगे, ए प्लान लिखेंगे, तो ए प्लान खत्म। बगल में क्या है, मैं का क्या लिखेंगे, इन द, मैं आपका यहां से खत्म। इसके बगल में क्या है, तो मार्गदर्शन, मार्गदर्शन एक शब्द है, जितना बना चुके हैं इसको मिटा रहे, नीचे आपका है, ठीक है। तो मार्गदर्शन, तो गाइड लाइन, मार्गदर्शन। फिर कहां आ गए, ओके, के का क्या बतलाए, ऑफ। फिर क्या है, विद्वानों, तो क्या लिखेंगे, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वानों, जिसको आप लोग स्कॉलर्स भी कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या मिला, के का क्या बताए, ऑफ। फिर क्या मिला, राष्ट्र, राष्ट्र का क्या लिखेंगे, द नेशन, नेशन नहीं द नेशन, ये बार बार आ रहा है, कह रहे हैं अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि ये द कहां से आ रहा है, चूंकि आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, लेकिन टेंस में थोड़ी आर्टिकल की जरूरत पड़ती है, तो फिर भी हम इतना बता देंगे कि आपको टेंस में आर्टिकल की, आर्टिकल का जो काम है वो आपका चलता रहे। तो द नेशन, ये आपका सवाल। आगे बढ़ गए, के लिए का टू बताए, तो टू दिए, के लिए खत्म। बगल में क्या है, समझना, क्या लगा देंगे, वर्ड सिर्फ डाल देना है, अंडरस्टैंड। फिर बगल में क्या है, को, नहीं मेरे बच्चे, हम ऑफ नहीं बतलाए, को का अंग्रेजी हम आपको द सिखाए हुए, तो को का द। और इसके बाद क्या है, फिर क्या, कौन सा प्रणाली, मिट गया वहां, शिक्षा प्रणाली, तो शिक्षा प्रणाली एक शब्द है और हम शिक्षा प्रणाली का अंग्रेजी सिर्फ यहां लगा देंगे, एडुकेशन सिस्टम, एडुकेशन सिस्टम। तो आपका पूरा सेंटेंस बन के रेडी हो गया, अ लीडर मेक्स अ प्लान इन द गाइडलाइन ऑफ मैन ऑफ लेटर्स ऑफ द नेशन टू अंडरस्टैंड द एडुकेशन सिस्टम। तो चलो यहां तक समझ में आ गया, हम लोग यहां तक समझ लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे इस टेंस में हम लोग, अब ये पहला रूल था जिसको हम लोग एसर्टिव कहते हैं, अब इसी टेंस में हम लोग का आगे हो जाता है आई एन टी से इंटरोगेटिव और एन ई जी से नेक्टिव, कहे थे शॉर्ट कर देंगे, अब शॉर्ट हो गया। तो इंटरोगेटिव नेक्टिव, इसमें सबसे पहले डू या
डज लगेगा, फिर लगेगा सब्जेक्ट, प्लस नहीं रहने से नॉट, लेकिन अब भी फाइव नहीं, अब केवल होगा भीवान और अंत में नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। देखो डू का भी फाइव क्या होता है, डज, तो डज यहाँ क्या चीज है, भी फाइव, डू क्या चीज है यहाँ, भी वन, तो वर्ब का टोटल कितना फॉर्म, पांच फॉर्म होता है, भी वन, भी टू, भी थ्री और भी फोर और भी फाइव। कोई भी सेंटेंस में भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव का प्रयोग केवल एक बार होता है, पहली रूल के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार से जो आ जाए। लेकिन अगर उस सेंटेंस में एक वर्ब यूज होने के बाद भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव के बाद अगर फिर वर्ब आता है तो वो हमेशा रहता है भी वन में, वो कभी भी टू, भी थ्री, भी फोर में नहीं जाएगा, जाएगा रेयर में, तो उसका कुछ कंडीशन अलग होगा, तो सिंपल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, तो वो आगे हम लोग उसको भी जान जाएंगे। तो डज ऑटोमेटिकली भी फाइव है, तो जब वाक्य में भी फाइव एक बार आ जाएगा तो हम उसमें भी वन, भी फाइव नहीं लगाएंगे। तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर होगा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर ये होगा तो तब आपको सबसे पहले क्या का अंग्रेजी डज लिखना है, ये हम बॉक्स में कर देते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो तब आप सबसे पहले क्या का अंग्रेजी डू लिखेंगे। जैसे यहां एग्जांपल एक देख लो, क्या वह नहीं लिखती है, छोटा सा वाक्य समझने के लिए, क्या वह नहीं लिखती है, तो अब यहां सब्जेक्ट कौन है, वह का क्या लिखेंगे, सी, क्या सी आई वी यू को छोड़कर है, जी सर, तो कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या ये सी कहने से एक ही लड़की का बोल, तो जी सर, तो क्या ये सिंगलर भी है, यस सर, क्या दोनों कंडीशन मिल गया, यस सर, कौन कंडीशन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, अगर दोनों कंडीशन मिल गया तो हम अभी क्या का अंग्रेजी क्या बदलाए कि डज लगा देंगे। तो देखो क्या भी खत्म, वह भी खत्म, और इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट। अब इसी जगह हम कह रहे हैं कि एक बार सेंटेंस में अगर कहीं भी डू या डज लग जाए तो आप दोबारा भी फाइव का प्रयोग नहीं करेंगे, अब भी वन ही लगेगा, इसीलिए राइट का भी वन राइट होगा और आपका सेंटेंस बना डज सी नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखती है। चलो अब एक सेंटेंस तुम लोग के लिए, सभी तुम लोग अपना कॉपी पर लिख लेना, चलो एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं, क्या मेरी माँ मुझे बुलाने के लिए एक कोड की प्रयोग नहीं करती है, तो क्या का अंग्रेजी क्या होगा, हमें नहीं मालूम, इसका फैसला कौन करेगा, सब्जेक्ट क्या है, मेरी मदर, अंग्रेजी क्या लिखेंगे, माई मदर आप मिला लो, आई वी यू को छोड़कर है, जी सर, थर्ड पर्सन, और मेरी माँ कहने से कितनी माँ, एक, सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, इसलिए क्या का अंग्रेजी डज होगा। तो डज माई मदर, नहीं का नॉट, और यहां फिर प्रयोग करना यूज, अब एक कोड तो यहां लिखेंगे ए कोड, देखो यहां यूज जो है ना ये वर्ब है, और वर्ब के बाद अगर कभी का के की आता हो तो इस का के की का अंग्रेजी कुछ भी नहीं लिखा जाता, हम यहां पे कोड डाल दिए कि अगर किसी भी वर्ब के बाद काके की आता हो तो उस काके की का अंग्रेजी हम कभी भूल से भी ऑफ नहीं लिखेंगे, इसलिए ये जो ऑफ है काके की, इसका अंग्रेजी ऑफ यहां इग्नोर करके चलेंगे और आगे बढ़ गए एक कोड का अंग्रेजी एक कोड। बुलाने के लिए का क्या बताए, जो बुलाना का कॉल, और मुझे का मी, और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क, डज माई मदर नॉट यूज अ कोड टू कॉल मी, ये पूरा सेंटेंस बना, और इसके बाद हो जाता है टर्म प्लस
नेक्टे क्या बतलाए थे, दुनिया में जितना भी प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वही सभी को हम लोग टर्म कहते हैं। तो यहीं पे आके कोई टेंस खत्म हो जाता है, टर्म प्लस नेक्टिव। और स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्म कहीं भी रहे खींच कर लाना है सबसे आगे, और टर्म अपने तुरंत बाद क्या लेता है, टर्म अपने तुरंत बाद या तो डू या तो डज, फिर सब्जेक्ट नहीं रहने पर नॉट, और प्लस इसके बाद भी वन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। वह कैसे नहीं जीवन में संघर्ष करती है, वह जीवन में, वह कैसे जीवन में संघर्ष नहीं करती है, नहीं करती है। चलो अब इसको बना लेते हैं, बनाना है तो टर्म कौन है, कैसे, तो क्या लिखेंगे, हाउ, टर्म के तुरंत बाद डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसमें डू या डज लगेगा। इसके लिए हम फैसला पकड़ेंगे किसको, पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है, वह का क्या होगा, सी, तो तुरंत पकड़ो, सी आपका थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसीलिए हम इसको पहले डज देंगे और तब लिखेंगे सी, और अब नहीं का ले लेंगे नो, इतना चीज आपका पहले फिक्स हो गया। देखो ये बन गया, ये बन गया, और नहीं का अंग्रेजी नोट ले लिया। अब संघर्ष करना एक शब्द है जिसका अंग्रेजी होता है स्ट्रगल। अब यहाँ जीवन में, तो यहाँ इन लाइफ। अब आप कहिएगा कि सर मैं का तो आप इन द बताए थे, यहाँ तो द नहीं लगाए, आप सिर्फ इन लाइफ लिखे, तो ये 1% कभी कभी, तो हम द अभी पहले भी कहें कि द जो है टेंस में जो परेशान कर रहा है कि यहाँ लगता है यहाँ नहीं लगेगा, तो ये अगले वीडियोज में हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपको द की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहीं समाप्त हो रहा है, और अगला टेंस के साथ हम अगले दिन फिर से हाजिर हो रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा, ठीक है।